शर्मा जिंदाबाद, ई शर्मा जिंदाबाद, इधर ये क्लियर ना अंदर अदरा ने जिंदाबाद, जिंदाबाद, ई शर्मा जिंदाबाद, ई शर्मा जिंदाबाद, ई शर्मा जिंदाबाद, अंदर जाते बड़ी ई शर्मा जिंदाबाद, ई शर्मा जिंदाबाद, ई शर्मा जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद,
जिंदाबाद। हेलो, हाँ जी, हाँ ये सामने सामने तो कुछ इधर देखो, इधर बैठो बैठो। अगर यहाँ ज्यादा तू चलिए जहर दे दो। भारत माता की, भारत माता की, सतेन शर्मा जिंदाबाद, श्री सतेन शर्मा जिंदाबाद, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी। हूं थोड़ा सामने चौधरी सुधाकर जी अपने विचार रखन। बेनती की जाती है कि जितने भी आदमी खड़े हैं कुर्सी पर बैठ जाएंगे सारे। कॉल करो मुझे सेंसिटिव चलो। ये जिन्ने भी भाई साहब खड़े ने ये कुर्सियों पर अपने जगह लेना। हेलो हेलो हेलो, माइक कॉल रखो ना सेंसिटिव। मंच पर माइक बिल्कुल रखो। मंच पर बैठे मंत्रीगण, कुलदीप राज वर्मा जी, प्रधान सेठ साहब और अशोक कुमार शर्मा साहब और आजाद पार्टी के कैंडिडेट श्री सतीश शर्मा जी, इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और बाहर से आए हुए माताएं, बहनें, बुजुर्ग और नौजवान, इन सब को यही है कि हमारे कैंडिडेट जो भारतीय आजाद पार्टी में श्री सतीश शर्मा जी बना रहे हैं, आप सबका ये फर्ज है कि साथ पड़ोस आसपास रिश्तेदार इस कंस्टिट्यूंसी में जितने भी आपके रिश्तेदार यहाँ पर आए हुए, उनके रिक्वेस्ट है कि उनको सब अपने रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा वोट दिला करके सतीश शर्मा को बढ़ावा दें ताकि ये कामयाब हो। ये हमारी कंस्टिट्यूंसी में सबसे अच्छे नौजवान काबिलियत रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, हर प्रकार से इनमें काबिलियत हर जगह पर है। तो ये हमारा एक मौका है, अभी इस मौके को जाने नहीं देना है। कृपा करके सभी आदमियों का ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस पार्टी को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। और जगतर जी हम थोड़ा सामने अपने विचार रखने। और जगतर आदरणीय श्री सतीश शर्मा जी, श्री प्रेम सिंह जी चिप आए सभी मेहमान का मैं आपके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो आप इतनी देर समय पर इधर बैठे हैं और सतीश जी का इंतजार कर रहे थे, सभी से निवेदन है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवान जो संभ कॉन्स्टिट्यूशन नेता है
इनके फैदर साहब ने जो काम किए हैं सभी को पता है, अभी उनके काम के गिनती में लाए तो टाइम लगेगा। मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा इनको वोट देकर इनको कामयाब बनाए और इनको हम 8 तारीख के बाद फिर दोबारा पूछेंगे और अपने काम इनसे लेंगे। अभी इनको काम बताने का हमारा कोई मसला नहीं है। मैं सतीश से अर्जी करूंगा, जितने भी जो लोग बैठे हैं, आपने सभी को सभी का फोन अटेंड करना है और हर गरीब आदमी की बात सुननी है। जय हिंद, जय भारत, जय। सामने सतीश शर्मा जी अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की। और साड़ी बैटरी बिल्कुल डाउन होगी, 3-4 बजे 5 बजे उठिए, घंटे की नींद सफिशेंट नहीं होंगी। असें ऐसा डर पेदा इंदा, हुन मैं अपील गै करनी है रोड रूलर 6 नंबर सिंगल नंबर पर मोहर लाइयै ओह्दा अग्गे आह्ला पत्ती दवाइयै तुसें मदन लाल शर्मा साहब की श्रद्धांजलि देनी है। किराए के काम जो पहले नहीं कराए वह भी कराने, जेडे असें बाद कराने वह भी दसने। पहले भी दसो कि लोगों लगता कि टिकट कटी है सारा वादा होया, जी टिकट कटी सर पिछले 14 दिन अस बैठे नहीं, पिछले 25 साल अस संगठन की सेवा की, पार्टी की सेवा की, इसे सोच की सारी पढ़ाई लिखाई छोड़िए, काम काज परिवार सेहत पैसा छोड़िए, अस बड़ी शिद्दत पूरी मेहनत करने काम किया। बाद अपना घर बनाया तो वो दिन थोड़ा जहा असें लगा यार 10-15 दरबार से आए, उस दिन 10-15 हज़ार बंदा किता हो कड़ी कराए, तुम्हें आखिया कि इलेक्शन है, इलेक्शन लड़ा दें और बड़े खूबसूरत तरीके ने लड़ा दें। नहीं सरपंच बनाओ अगला तां शांत होना, इन्हें भी लड़ा नहीं बेहिए गल करा, तुम्हें परेशानी जे मैं डिगी पिया उन्हें आखिया कुछ ये दो जुट पैसे दे सारे का मैं बड़ा मशहूर हाँ। रफे एमपी साहब नाइट कन्वेंशन करते जिन्नी गैस होंगी कढ़ाई दे राती मेरी सवेरे फिर नॉर्मल ही होंगी, हूँ मैं आना कदें कदें हूँ। खैर बड़े अच्छे तरीके ने सारी टीम ने मंच पर बैठे रहे सारे साढ़े पंच साहब सरपंच साहब बलवान अंकल शिव साहब मेरे परिवार के सारे सदस्य बैठे थे, सारे ही दर्जन देकर नमस्कार साहब मुकाबला कोई जम्मू भी नहीं अगले 50 साल जो मदन लाल शर्मा की बराबरी के काम करी सके। जिंदाबाद।
मेरा भांजा है, मामा भांजे बड़े किस्म के होते, कृष्ण भी भांजा रहे हैं। मामा बड़ा कमाल है मेरा, ये साहब मुझे आखिर थी नीला भरावा मैं नहीं बोल जिंदाबाद है। और मैं दसो ये बोला मैं तुम्हें आखा तुम्हें खिचे दो एम पी साहब की सुनना, जिनसे बंदे ने तैयारियां लाई दी ना एम पी साहब ने उनके भाषण सुने ये मामा उन्हें आखना यहाँ मुड़ा इन बेकार है इसी बोला मैं अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने वाला अभिषेक बच्चन की फिल्म देखी जाए रोज चलता यह लड़ाई लड़नी है जो मर्जी हो चिप साहब की मयूस सारे मयूस टिकट कटोई उसके वास्ते में एक बार पहले भी सुनाया कि हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, 5 साल का सब्र है, हमको हमारे सब्र का खूब सिला दिया गया, यानी दवा ना दी गई दर्द बढ़ा दिया गया। फिर ये कहा गया क्या, फिर ये कहा गया क्या, शौक से सांस लीजिए, पहले हवाए शहर में जहर मिला दिया। पिछे बोला था साड़ा प्रधान गया ये प्रधान है प्रधान हूं काम करना साड़ी प्रेजिडेंट कटी डे हूं तुहे में ऑल इंडिया का प्रेजिडेंट बनाई ना अपनी पार्टी का सिप साहब भी पहला अस ब्लाक दे और तुहे ओ मना मांकल मेरे बड़ा प्रेमी साड़े मनास बरादे के उन्हें लिखे था ऑल इंडिया मनास बरादे। फिर मेरा एक दोस्त भी आखा ये बड़े आल इंडिया उन्हें लिखी थी आल वर्ल्ड ब्राह्मण सभा तो हूं मैं तुम्हें आल यूनिवर्स ब्लाक प्रेजिडेंट बनाए मुक्ति पेंशन मुक्ति है कैद गल आदर समान मान दी होती है जो नहीं मिले गया अठ के अठ ब्लाक प्रेजिडेंट साढ़े कटे पहले और जिनी बेअदबी कने कटे और जिंद को 90 ब्लाक पहले सारे को जुजारू प्रेम सिंह जी बोल मैं इक्के बारी अठ बनवाए उन्हें सिरे इक्के बारी अठ से अठ कटे। मैं यूथ प्रेजिडेंट बनाया नागर की उसी रोया इनकी बरादरी का हूं अगे अस डीडीसी अपने बनाने डीडीसी अपने बनाने सरपंच अपने बनाने तो उसी आखना आई है देख भी अगर तेरा जीती अड़ी सियासत पर लानत है अच्छा फैसला होने जा रहा है अहें भी 14 दिन हुई है बनवास निकले पहले तो अस परेशान करिए फ्रस्ट्रेट करिए यार हो जाती है साड़ी कोई 30 बंदे ट्रिप लगी 400 बंदे का पेट खराब होया कई की शुगर बनी बनिया किस टिकटा मामी ने बड़े फोन किए शामी जल्द स्प्रे कर लिया अपने के बनिया टिकटा का मैं पूजी है पठानकोट अंबाला आवा दी है टिकट जल्द जम्मू पूजी और रेल की टिकट निकली दुई नहीं लगी कोई चक्कर नहीं कोई परवाह नहीं रब जो करता है कीता आखदा जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये आखना कि हम सबकी अपनी अपनी पार्टी हमारी अपनी पार्टी है गीता जाते हैं सबकी अपनी अपनी दुनिया है मेरी दुनिया आप है और जो फैसला करना है तुझे करना है बिल्कुल ये नहीं वो सवेरे करना है दूसरी गल ये है कि जो होंगे अच्छे नहीं होंगे हूँ साड़ा दायरा खुली है अस दुआ के डिडू है हूँ समुद्र चल पहले अस खोड़ ब्लाक की लड़ाई करनी खोड़ ब्लाक माइनिंग ट्रैलियां तंग करा दे बार्डर का इशू ALC का इशू साढ़े बिजली के मीटर जेड़े वो सारे किट्ठे करिए हार पाना जो लाते ना जी सरकार है BJP वाला कि राजीव शर्मा कहते बार ना करना तुम जो बिजली के बिल आए तुझे इतना खोड़ कैंपा नहीं दिखो ये चंगाड़े निकलते मार नहीं आया शाह और आया जी पिटू शाह वो सुबह ये कहते फोन ले फिर दिहाड़ी का 500-500 रुपये बिल लाना फिर तुम आना यार मुड़ा ठीक है बाहर के लोग जम्मू कश्मीर पर कब्जा करके बैठे वो सोचते जम्मू वाले लुट के बड़ी पाए कश्मीरी अस बराबर भाग देना एक नजर करना लेकिन थोड़ा अजीज बर खुरदार बराबर लड़ाई करेगा जेडे सारे ब्लाक के मुद्दे चाहे
सारे बच्चे दस साल उन्हें तबाह हुए, कोई नौकरी नहीं आई, ना विपत्ती आई, अग्निवीर बनाई दिता गया, बिजली दे बिल, पानी दे बिल, जमीन सारिया खूह दिन तू नहीं पहुंचाए था, मैं पता नहीं खूह दिन नहीं खूह दिन इन्हें मामे का डर भी है कि पता नहीं साइड का हो सारे। इसलिए मैं अगे पिछे सड़कें हाथ भी नालिया भी मन बड़ा व्या